हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बांका की तरफ जा रहे हैं, एक हिस्टोरिकल प्लेस है उधर। मेरे साथ मेरा दोस्त मयंक भी जा रहा है, 115 किलोमीटर और चलना है। वीडियो में बने रहिए, आगे जहां भी रुकूंगा वहां का सीन आपको दिखाता हूं। तो आगे वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज का दिन यहीं से शुरू होता है एक नए ब्लॉग के साथ। तो यार गाइस, मिलिए मयंक से। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं बांका की ओर, हिस्टोरिकल प्लेस है, थोड़ा सा आगे पड़ेगा बांका से। तो यार जो भी होता है वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। सोया गाइस, अभी आप देख रहे हैं हम लोग अभी बांका एंटर कर चुके हैं। अभी हम लोग बिहार में हैं, हमारा बाइक वहाँ सामने खड़ा है जैसा कि आप देख रहे हैं। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, रोड के दोनों साइड में बड़े बड़े पेड़ हैं, इसलिए रुका हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा अभी मैंने बोला दोस्तों आपको कि सामने बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है रोड के दोनों साइड ही, आप देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। मयंक कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा? A few moments later. So yeah guys, अभी हम लोग बहुत देर से बाइक चला रहे थे, तो हम लोग जस्ट एक जगह पे रुके हैं और यहाँ का नज़ारा काफी सुंदर है। चलिए देखिए आगे का नज़ारा कैसा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यहाँ का नज़ारा। गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, काफी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अभी ऑसम नजारा है यहाँ का गाइस, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए। तो या गाइस, अभी आप देख सकते हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग सिमुलतल्ला पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक राजबाड़ी है, जैसा कि अभी मैंने देखा। अभी यहाँ पे तो पुराने जमाने में यहाँ पे लोग आते थे अपना वीकेंड में क्लाइमेट के लिए यहाँ पे आते थे, और बेसिकली सिमुलतल्ला क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। ये एक राजबाड़ी है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो काफी पुराना है, बहुत ओल्ड है दोस्तों। सामने का नजारा आप देख रहे हैं दोस्तों, उधर पहाड़ है और बीच में पानी भी है। इधर भी एक पहाड़ है जिसको लट्टू पहाड़ बोला जाता है, ऊपर एक मंदिर है। देखते हैं समय अगर रहा तो ऊपर भी चढ़ेंगे, वहां से भी आपको राजबाड़ी का नजारा दिखाएंगे। सो गाइज वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे सामने ये राजबाड़ी है और मैं अभी अंदर जाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं आगे, जो जो भी होता है मैं दिखाता हूं। इधर से सीढ़ी दिया गया है ऊपर जाने का, चल के देखेंगे ऊपर, कोशिश करते हैं ऊपर चढ़ने का। जितना हो सके उतना ज्यादा हम एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं इस जगह को दोस्तों। सो वीडियो में बने रहिए। तो गाइज अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, अंदर का नजारा कुछ ऐसा है, फिर टूटा हुआ है बट बहुत ही पुराना भी है वैसे। तो आप देखिए इसको गाइज कैसा लग रहा है। पुराने जमाने में यहाँ पे वीकेंड पे आते थे लोग और यहीं पे रहते थे। सो गाइज अभी जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक राजबाड़ी है। बहुत समय पहले यहाँ पे बंगाली लोग आते थे। यहाँ का वातावरण, क्लाइमेट, पानी, ये सब कुछ अच्छा है। सिमुलतल्ला का, सिमुलतल्ला को मिनी शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यही वो राजबाड़ी है और इसको क्वीन पैलेस भी बोला जाता है, जो कि ढाका की महारानी थी उनका ये पैलेस था। तो यार गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, काफी रिक्स लेकर ऊपर आया हूँ दोस्तों, और आगे जाने का, अंदर जाने का रास्ता नहीं, उधर जाने का रास्ता नहीं है। तो गाइस आप वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी होता है मैं अपने कैमरे के थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो यार गाइस अभी आपने जैसा देखा कि अभी हम लोग अंदर जाने का कोशिश किए बट नहीं जा सके, अभी और दूसरे तरफ से कोशिश करते हैं अंदर जाने का। बट मैं आपको कोशिश करता हूँ अंदर जाके अंदर का सारा फुटेज आपको दिखाऊं, काफी ऑसम लग रहा है गाइज, मैं तो यहाँ से देख पा रहा हूँ। सो गाइज वीडियो में बने रहिए। तो यार गाइज अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी आप जैसा देख रहे हैं अभी मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ। ये साइड व्यू है, पीछे का नजारा कुछ ऐसा है दोस्तों, सामने पहाड़ ही पहाड़ और जंगल वगैरह है, और इसी के वजह से यहाँ का क्लाइमेट काफी अच्छा रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे राजा और रानी अपना समय काटने आते थे। यहाँ पे एक दो महीने के लिए यहाँ पे आते थे, अपना वीकेंड पूरा करके फिर यहाँ से चले जाते थे। सामने का नजारा गाइज कुछ इस तरह है, अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अभी मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ और देखता हूँ इधर से जाने का रास्ता। हाँ इधर से जा सकते हैं, थोड़ा रिस्की है बट जा सकते हैं। तो गाइज अभी मैं इधर से अंदर जा रहा हूँ। फाइनली गाइज मैं अंदर आ चुका हूँ और अंदर का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। काफी पुराने समय का ये महल है, चलिए देखते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सामने का ये जो पिलर है इतना खूबसूरत लग रहा है, और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ।
सो या गाइस, अभी आप जैसा देख रहे हैं राजबाड़ी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सामने का नजारा कुछ इस तरह है। देखिए गाइस, आप लोग पूरा ध्वस्त हो चुका है, टूट गया है। ये ब्रिटिश के जमाने का ही है दोस्तों। सो सामने का नजारा कुछ इस तरह है, इसीलिए बोला जाता है इसको मिनी शिमला। इधर से आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है चारों तरफ से। ये ऊपर का छत बचा ही नहीं है। इधर सीढ़ी हुआ करता था उतरने का, बट टूट चुका है, जिसके कारण अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा क्या। बेहतरीन नजारा है यहाँ का दोस्तों, सामने देखिए। सारा टूट चुका है दोस्तों, और सामने से देखिए दोस्तों, यहाँ से पहाड़ दिख रहा होगा जिसको लट्टू पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं फ्रंट की तरफ आ चुका हूँ राजबाड़ी के। इधर से नजारा कुछ ऐसा है गाइस, ऊपर का नजारा देखिए, सारा कुछ टूट चुका है। हमारे इंडिया में काफी हिस्ट्री है, जस्ट हम लोग उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम आप लोग को भी बताने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन नजारा है इधर का। आखिर आदमी यहाँ पे क्यों आता था, मुझे अब समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी चीज के लिए वो लोग यहाँ पे आते थे अपना वीकेंड के लिए। सामने से कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है गाइस, आप देख ही सकते हैं कितना बेहतरीन दिख रहा है। सो या गाइस, वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी जानकारी होता है मैं आपको देता हूँ। सामने देख रहे हैं गाइस, सामने का छत पूरा टूट चुका है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तो या गाइस, सिमुलतल्ला को मिनी शिमला के नाम से भी जाना जाता है। सो तभी यहाँ पे लोग आते थे यहाँ का क्लाइमेट का मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। काफी सुंदर जगह है ये, लोग यहाँ पे वीकेंड पे आते थे और एक दो मंथ रह के यहाँ से फिर चले जाते थे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट देख ही रहे हैं बहुत ही अच्छा है। खुला जगह है और बीच में ये एक पैलेस है, राजबाड़ी जिसको बोला जाता है। ये ढाका की क्वीन का राजबाड़ी है। इस वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी होता है मैं अपने कैमरे के थ्रू आपको दिखाता हूँ। यहाँ का फुटेज अभी आपने देख ही लिया, और मैं अब बाहर जा रहा हूँ। गाइज, राजबाड़ी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो लाइक कीजिएगा। गाइज, बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत दूर से आया हूँ। वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी होता है मैं अपने कैमरे के थ्रू आपको दिखाता हूँ। पीछे का नजारा आप देख रहे हैं दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको। आगे और भी इस तरह का पैलेस है जहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ। बताया जा रहा है यहाँ पे एक ही पैलेस ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारा पैलेस है यहाँ पे, जहाँ जहाँ है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। नजारा आप देख लो, सोया गाइज, आपको कैसा लगा राजबाड़ी और सिमुलतल्ला का नजारा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। काफी खूबसूरत नजारा है गाइज यहाँ का, और इस हिस्टोरिकल प्लेस को तो देखकर ही मजा आ गया दोस्तों। सामने का नजारा आप देख लीजिए गाइज कैसा है। जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दे, जो अब तक लाइक नहीं किए हैं। अभी हम लोग इस तरह का महल और भी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। A few moments later. I miss you. गाइस, गुड इवनिंग, कैसा लगा आपको वीडियो। मैं अभी घर पहुंच चुका हूं। बिलो दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए। गाइस, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।